सभी ने अपराध तो किया ना साहब। क्या अपराध? पेशाब करना अपराध कौन सी धारा आती है साहब? किसी के चेहरे पे पेशाब करेंगे साहब? नशे की हालत में, नशे में वो व्यक्ति भी बैठा हुआ था, उसके विरुद्ध भी केस दर्ज किया जाए। सार्वजनिक स्थल पर शराब पीना अपराध है, कराइए केस दर्ज। किसी के मुंह पर पेशाब करना कौन सा गुनाह है? ये सवाल पूछने वाला एक ब्राह्मण है जो एमपी के सीधी में एक आदिवासी पर पेशाब करने वाले ब्राह्मण कुल के परवेश शुक्ला के समर्थन में खुलेआम बोल रहा है। इस ब्राह्मण का कहना है कि अगर किसी के मुंह पर मूत भी दिया जाए तो भला इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपराध तो किया ना साहब। क्या अपराध? पेशाब करना अपराध कौन सी धारा आती है साहब? किसी के चेहरे पे पेशाब करेंगे साहब? नशे की हालत में, नशे में वो व्यक्ति भी बैठा हुआ था, उसके विरुद्ध भी केस दर्ज किया जाए। सार्वजनिक स्थल पर शराब पीना अपराध है, कराइए केस दर्ज। ब्राह्मण कहते हैं कि जाति जन्म नहीं बल्कि कर्म के आधार पर तय होती है। जो जैसा कर्म करता है वैसी ही उसकी जाति हो जाती है। तो फिर सवाल उठता है कि एमपी के मूत्रकांड के आरोपी परवेश शुक्ला ने जो घिनौना काम किया है, घिनौना कर्म किया है, क्या उसके कर्म के आधार पर उसकी जाति नीच हो जाती है? क्या ब्राह्मण समाज ऐसे घटिया आदमी को अपनी जाति से बाहर निकाल सकता है? ये सवाल अपने आप में ब्राह्मणों के इस कर्म आधारित जाति व्यवस्था के झूठ की पोल खोलने के लिए काफी है। अगर जाति कर्म के आधार पर तय होती है तो फिर ऐसा घिनौना कर्म करने के बाद भी परवेश शुक्ला आज तक ब्राह्मण कैसे बना हुआ है? क्यों ब्राह्मण समाज उसे खुला समर्थन कर रहा है? क्यों ब्राह्मणों ने उसे जाति से बाहर नहीं किया, उसका जातीय बहिष्कार नहीं किया? क्यों परवेश शुक्ला को घटिया कर्म के आधार पर छोटी जाति का, जिसे ब्राह्मण लोग कहते हैं कि नीच जात है, छोटी जात है, उसका घोषित क्यों नहीं किया? क्यों ब्राह्मण समाज परवेश शुक्ला का बचाव कर रहा है? क्यों ब्राह्मण परवेश शुक्ला के समर्थन में महासभा कर रहे हैं? और क्यों ब्राह्मण समाज के लोग चंदा इकट्ठा करके परवेश शुक्ला के परिवार की आर्थिक मदद कर रहे हैं? क्या ब्राह्मण समाज इन सवालों के जवाब दे सकता है? जातिवादी तुलसीदास दुबे ने इसका जवाब रामचरितमानस में दिया है, जिसमें उसने तमाम दलित आदिवासी पिछड़ी जातियों को जी भर के गाली दी है और ब्राह्मणों का महिमा मंडन किया है। वो लिखता है, पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजे ज्ञान परवीना। यानी एक दुष्ट, घटिया, मूर्ख और नीच ब्राह्मण जो गंदगी में भले ही रहता हो वो भी पूजनीय है, भले ही उसके पास कोई ज्ञान ना हो, भले ही वो इडियट हो, भले ही वो कितना भी खराब क्यों ना हो, वो हमेशा ब्राह्मण ही रहेगा और उसकी पूजा की जानी चाहिए। परवेश शुक्ला के मामले में भी ब्राह्मण समाज इसी सिद्धांत का पालन कर रहा है कि ब्राह्मण ही पूजनीय है। यही संदेश ब्राह्मण दे रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, कैसा भी वो काम कर ले, लेकिन वो हमेशा पूजनीय रहेगा। ब्राह्मण खुद ही ये कहते हैं कि ब्राह्मण धरती पर ईश्वर का रूप यानी भूदेव हैं, वो समाज को रास्ता दिखाने का काम करते हैं, वो गुरु हैं। तो फिर ब्राह्मण ये कैसा रास्ता दिखा रहे हैं कि वो एक ऐसे घटिया आदमी की मदद कर रहे हैं, उसके समर्थन में नारे लगा रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, ये कौन सा रास्ता दिखाने का काम ब्राह्मण समाज कर रहा है? मनुस्मृति के दौर में आप सब जानते हैं कि ब्राह्मणों को किसी भी तरह के अपराध की सजा नहीं दी जा सकती थी। यहाँ तक कि उदाहरण मिलता है कि चोल साम्राज्य में एक राजा की हत्या करने पर भी ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जा सका था, क्योंकि शास्त्रों में ब्रह्म हत्या का निषेध है, यानी ब्राह्मण जो मर्जी अपराध कर दें उसको सजा उस समय नहीं मिलती थी। लेकिन आज मनुस्मृति का दौर नहीं है, आज संविधान का दौर है। यहाँ हर अपराध करने वाले को बिना जाति धर्म देखे संविधान और जो कानून की धाराएँ हैं वो सजा देने का प्रावधान करती हैं। लेकिन फिर भी एक ऐसे नशेड़ी, अपराधी और गुंडे किस्म के आदमी का समर्थन करना क्या जायज हो सकता है? फिर आप किस मुंह से कहते हैं कि जाति जन नहीं बल्कि कर्म आधारित है? ये क्या दोगलापन है कि आप एक तरफ कहते हैं कि वो कर्म के आधार पर है और जब आपके ही जाति के लोग इतना घटिया कर्म करते हैं तो आप उनके समर्थन में आ जाते हैं, आप उन्हें जाति से बाहर नहीं निकालते? आप जो कर रहे हैं यही सबसे बड़ा सबूत है कि जाति कर्म नहीं बल्कि जन्म आधारित होती है, और इसीलिए आपने खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए तमाम ग्रंथों शास्त्रों में तमाम तरीके के झूठ पिरो दिए कि ब्राह्मण जो हैं वो ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए हैं, वो भूदेव हैं, वो धरती पर ईश्वर का रूप हैं, वो सबसे अच्छे हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, उनका दो बार जन्म होता है, तमाम तरीके के झूठ आपने पिरो दिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आप एक ऐसे नशेबाज गुंडे आदमी का, इतने घटिया अश्लील आदमी का समर्थन कभी नहीं करते। अगर जाति कर्म आधारित होती तो परवेश शुक्ला ऐसा अमानवीय कृत्य करने के बाद भी ब्राह्मण बनकर नहीं रह पाता, आप उसका बहिष्कार कर चुके होते, उसे बाहर निकाल चुके होते। ब्राह्मणों को सोचना चाहिए कि वो दुनिया के सामने कैसी तस्वीर पेश कर रहे हैं, वो क्या दिखाना चाह रहे हैं, किस तरह की तस्वीर वो कहीं की पेश कर रहे हैं।
पूरी दुनिया उनकी इन हरकतों को देख रही है। और सोचिए आप खुद अपनी ही छवि को कैसे खराब कर रहे हैं, दुनिया के लोग जब देख रहे होंगे आपके समर्थन के ऐसे घटिया बयानों को देख रहे होंगे, हरकतों को देख रहे होंगे, तस्वीरों को देख रहे होंगे, तो वो क्या सोच रहे होंगे आपके बारे में, आप किस तरह की छवि अपनी और अपने समाज की बना रहे हैं। ब्राह्मणों की यह हरकत उस हिंदू एकता की भी पोल खोलती है जिसका दावा बीजेपी और RSS वाले करते हैं कि हिंदू राष्ट्र में तमाम जो लोग हैं सब लोग बड़े अच्छे से रहेंगे, सब बराबर होंगे, कोई जाति भेद नहीं होगा, सब हिंदू हैं, भारत में रहने वाले लोग सब हिंदू हैं, इस तरह के तमाम दावे करते रहते हैं, हमेशा इस तरह की बातें आती रहती हैं। लेकिन ये बयान, इस तरह की बात है, इस तरह की हरकतें उस हिंदू एकता की भी पोल खोलती हैं। क्या यही वो हिंदू एकता है जिसमें ब्राह्मण और जो इस तरह के सवर्ण जातिवादी मानसिकता के लोग हैं वो दलित आदिवासियों के वंचितों के साथ इस तरह की करतूतें करेंगे, ये सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन फिर भी ब्राह्मण पीड़ित के साथ नहीं खड़े होते बल्कि एक नशेबाज के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके समर्थन में सभाएं कर रहे हैं, तो ये किस तरह की हिंदू एकता की बात आप करते हैं? इन सवालों का जवाब उन हिंदू बनने वाले लोगों को भी जानना चाहिए जो दलित बहुजन बैकग्राउंड से आते हैं और मंदिरों की दौड़ में भागे जा रहे हैं, कावड़ लेने की दौड़ में भागे जा रहे हैं, कथाओं की दौड़ में भागे जा रहे हैं और खुद को नया नया हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सवाल उनको भी पूछना चाहिए कि क्या यही वो हिंदू राष्ट्र का सपना है जिसमें आपके साथ ऐसी करतूत की जाएगी, ऐसी करतूत होगी, लेकिन उसके बाद भी जो ऐसी करतूत करने वाला ब्राह्मण है वो सिर आंखों पर बिठाएंगे, लोग उसे उसके समर्थन में सभाएं करेंगे। इन सवालों का जवाब भी बहुजनों को जरूर तलाश करना चाहिए। इस बारे में आपका क्या कहना है, ये रिपोर्ट जो हमने आपको दिखाई है इस पर आपकी क्या ओपिनियन है, आप कमेंट के जरिए अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों को जानकारी मिल सके, वो इस षड्यंत्र को, इस साजिश को समझ सकें। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।